फ्रेंड आ चुके हैं कमाल का वीडियो एडिटिंग में। तो फ्रेंड इस तरह का वीडियो आप भी बनाना चाहते हो जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आप भी बनाना चाहते हो वन क्लिक में बना सकते हो। तो कैसे बना सकते हो ये वाला वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा तो ही जान पाइएगा कैसे इस तरह का वीडियो बना सकते हो। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आ चुके हो तो सब्सक्राइब कर दिया कि ये वीडियो पसंद आ चुका था, एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ बिट्टू, आप देख रहे हैं बिट्टू की टेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड बनाने के लिए आपको कैपकार्ट को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि वीवा क्यूट से भी बन सकता है लेकिन वीवा क्यूट लेग करता है, लो एंड डिवाइस है इसलिए लेग करता है। तो फिलहाल के लिए हम कैपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं वीपीएन कनेक्ट। तो फ्रेंड कैपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं, तो कर लीजिएगा। वीपीएन कनेक्ट कर लिया हूं तो कर लेते हैं हम कैपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन। तो फ्रेंड पहले प्लस पे टैप कर लेना है, उसके बाद एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेना जो कि ये वाला वीडियो है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जो ये वाला सेलेक्ट करते हैं ये वाला सीसी का हम बनाएंगे। तो वीडियो ऐड हो जाने के बाद पहले बात इसका वीडियो पे टैप करना, उसके बाद चल जाना स्क्रॉल करना, वॉल्यूम को म्यूट करना। म्यूट करने के बाद जो आपको सॉन्ग म्यूजिक ऐड करना जो कि ये वाला म्यूजिक ट्रेंडिंग पे है, तो आप भी ये वाला बनाना चाहते हैं तो इसला म्यूजिक को ऐड कर लीजिए। फिलहाल कल हम स्टे करके निकाल टैग वाला सिंबल पे चल जाना, उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक मिलेगा तो म्यूजिक को ऐड कर लेना। तो फिलहाल के लिए हम ये वाला म्यूजिक को ऐड करते हैं, ऐड पे टैप कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये म्यूजिक ऐड हो गया। ऐड होने के बाद आपको जो है म्यूजिक पे टैप कर लेना, उसके बाद यहाँ पे मैच कट पे चल जाना। मैच पे कट पे चलने के बाद ऑटो जनरेटर पे जो है इसको इनेबल कर लेना। इनेबल करना थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगेगा, ऑटोमेटिक आपका बीट लगा देगा, फिर उसके लिए हम बेट। तो फिर मेरा हो गया सेकेंड, मतलब जो है दूसरा बीट सेलेक्ट हुआ, तो ये ऑटोमेटिक बीट लगा दिया। अगर मान लेते हैं इसमें अगर यहाँ कभी कभी छोड़ देता है बीट, ये छोड़ दिया है, तो इस फिलहाल के लिए हम वहाँ दे देते हैं बीट। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि बीट यहाँ पे होना चाहिए तो वहां पे अपने हिसाब से बीट मार दीजिएगा। फिलहाल बीट मार देते हैं, उसके बाद डन करते हैं। डन करने के बाद जो है ये जो क्लिप है इसको हम कट करेंगे, तो स्प्लिट करेंगे। फिलहाल के लिए पीछे पे आ जाना, उसके बाद कैप कार्ड को वाटर मार होगा, इसको डिलीट कर लेना। तो डिलीट करने के बाद जो है आपको इस वाले वीडियो पे टैप करना, दो फिंगर से इसे जूम कर लेना। जूम करने के बाद जो है इस वाले वीडियो को हम कट कर लेते हैं, इस पर कट कर लेते हैं, स्प्लिट करते हैं। उसके बाद फिर से अगला वीडियो को जो है इस पर जाके स्प्लिट कर लेते हैं। जितना भी आपका जो बिंदु है इसमें बीट मार्क दिए होंगे सारे को कट कर लेना। तो फिलहाल के लिए हम सारे को कट कर लेते हैं, तो ऑल राइट। तो ये हो गया कंप्लीट। तो उसके बाद इस पर एनिमेशन कौन सा लगाया था फिलहाल के लिए, तो हम एनिमेशन ने लगाया था, फिर इस पर टैप कर लेते हैं। उसके बाद चले जाते हैं एनिमेशन पे। एनिमेशन पे जाने के बाद जो है आउट पे आ जाना। आउट पे आ जाने के बाद जो है फेड आउट इसको सेलेक्ट कर लेना, इसका जो है 0 सेकेंड कर लेना, 0.1 सेकेंड कर लेना। उसके बाद सेकेंड में भी आ जाना, फिर से आउट पे चल जाना, मतलब कॉम्बो नहीं जाना है, आउट पे जाना, फेड आउट को सेलेक्ट कर लेना, 0 कर लेना। फिर अगला में जाना है, उसके बाद यहाँ पे फिर आउट को सारे में जो है इफेक्ट लगा देना, 0 सेकेंड सबका जो लेंथ कर लेना 0 सेकेंड। तो फिलहाल के लिए हम सब में लगा लेते हैं जो कि आउट वाला इफेक्ट है, फिर आउट, तो सब में आके हम लगा लेते हैं। इसे कुछ इस तरह से आप भी लगाना है क्योंकि इस तरह से वीडियो लगाओगे तब ना वायरल होगा, तो इसलिए इस वाले वीडियो को हम जितना भी है इसमें लगा लेते हैं। फिर वाला फिर लग गया, तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा, उसका जो इस तरह से कम होगा। उसके बाद जो है इस वाले एनिमेशन था, तो कौन सा एनिमेशन था फिलहाल के लिए जो जाते हैं इफेक्ट पे, जो कि वीवा क्यूट से भी बना सकते हैं। शॉर्ट वाला वीडियो नहीं देखे तो उसमें आपको दिया गया है वीवा क्यूट से वन क्लिक में कैसे कर सकते हो, तो इसमें भी वन क्लिक में कैसे कर सकते हो चलिए जान लेते हैं। तो उसके लिए इफेक्ट पे चल जाना, उसके बाद चल जाना वीडियो इफेक्ट पे चल जाना। वीडियो इफेक्ट पे चलने के बाद जो है कुछ समय आपको वीपीएन कनेक्ट कर लेना, नेट कनेक्शन ऑन होना जरूरी है क्योंकि ये नेट से इफेक्ट ओपन होता है। तो ट्रेंडिंग वाला सेक्शन पे आ जाना, उसके बाद यहाँ पे आपको ये मिलेगा डायमंड जूम, इसको सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ पर चल जाना, आपको बेसिक पे चल जाना, उस यहाँ पर भी आपको डायमंड जूम देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर नहीं मिलता सीधा ट्रेंडिंग पर भी, ये वाला जो इफेक्ट है ट्रेंडिंग पर चल रहा है, इस वाला इफेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एडजस्ट जाते हैं, एडजस्ट पे जाने के बाद जो है साइज आपको इतना पे कर लेना है, उसके बाद इंटेंसिटी को बढ़ा देना है, और उसके बाद जो है इसको जो है स्पीड को कुछ इतना पे रख लेना है। तो ऐसे करके रखिएगा, इस तरह से मतलब आएगा। तो ये हो गया सेलेक्ट। सेलेक्ट हो जाने के बाद जो इसका जो इफेक्ट जो है छोटा कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा हो गया इफेक्ट सब पे लग गया तो हम सब पे नहीं लगा, एकाकी करके लगाएंगे तब ना अच्छी तरह से एनिमेशन दिखाई देगा। तो फिलहाल के लिए हम इतना पे रखते हैं, इतना पे जो कि आपको दिख रहा होगा जिससे इस तरह से। उसके बाद इसी इफेक्ट को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड वाला जो है क्लिप पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ से फिर क्लिप पे ऐड कर लेते हैं जो कि इस तरह से। उसके बाद इसका जो लेंथ है हम हाफ क्लिप तक रखेंगे, मतलब आधा। तो देखिए इस तरह से
आएगा, फिर ऐसे आएगा, इसको फिर कॉपी करना है। उसके बाद फिर से इस वाला क्लिप को मतलब उठा के इसको यहाँ पे थर्ड क्लिक के आसपास रख लेना। तो इसके बाद इसको इस पर टैप कर लेना है, इफेक्ट पे, इफेक्ट पे टैप करने के बाद जो इसी तरह से आपको इफेक्ट ऐड कर लेना है। फिर से हम कॉपी कर लेते हैं अगला जो लिरिक्स है उसको, मतलब जो है वीडियो है उस पर ऐड कर लेते हैं। तो अगला मेरा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यही क्लिप है, यहाँ से स्टार्ट करके हम कर लेते हैं। तो ये इसी तरह से आपको कर लेना, ये जो अगर छोटा हो गया ये, तो हम यहाँ तक कर लेते हैं इसका लेंथ। देखिए कुछ इस तरह से आपका वीडियो एडिट हो जाएगा। अगर इसमें अगर क्लिप अगर मिक्स टाइप का क्लिप देना चाहते हैं, तो मिक्स टाइप का क्लिप जो है एनिमेशन टाइप का देना चाहते हैं हल्का, जैसे ये वाला क्लिप हो गया और इसमें अलग क्लिप आए, उसके लिए आपको इस पर टैप कर लेना है, उसका स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको रिप्लेस का ऑप्शन होगा, रिप्लेस का ऑप्शन पे टैप कर लेना है। उसके बाद जो है आपको मिक्स वाला जो वीडियो है यहाँ पे आपको शो करेगा। आपको ये अगर वीडियो डाउनलोडिंग नहीं किए हैं, अपना एस्टेटिक वीडियो भी शूट करवा सकते हैं, तो उसको भी क्लिप करके ऐड कर सकते हैं, आपका भी वीडियो वायरल हो। कन्फर्म पर टैप कर लेना है, उसको ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो फिर इसी प्रोसेस आपको ऐड हो जाएगा, जो कि हम सेकेंड वीडियो को भी ऐड कर लेते हैं। इस पर टैप कर लेते हैं और उसके बाद फिर से ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे चल जाना है, रिप्लेस का ऑप्शन होगा ये, इस पर टैप कर लेना। उसके बाद वही वाला वीडियो को सेलेक्ट कर लेना, तो जो वीडियो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेकेंड दिखाई देगा। तो ये हो गया, क्योंकि हमें नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए है 3 GB रैम वाला है, तो इसलिए नहीं हो रहा है। तो आपके अगर अच्छा मोबाइल होगा तो लेग में हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए ये रिप्लेस नहीं ले रहा है। तो सीधा आपको एक्सपोर्ट कर लेना, आपको जितना भी क्लिप है अगर चेंज करना चाहते हैं इफेक्ट, मतलब ये आपका जो क्लिप वीडियो का क्लिप है तो ये चेंज करना चाहते हैं, तभी आपको वीडियो को ऐड करना है। तो अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा। देखिए इस तरह से वीडियो बन गया। उसके बाद शेयर करके एक्सपोर्ट कर लेना। तो एक्सपोर्ट करने के बाद, तो फ्रेंड आज का वीडियो में कुछ जानने के लिए मिला, तो चैनल को फर्स्ट टाइम आ चुके तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कमाल का वीडियो एडिटिंग में।